नमस्कार। तो फाइनली उत्तराखंड ने अपना इंफॉर्मेशन ब्रोशर भी कल रात को लॉन्च करा। इन लोगों ने अपना शेड्यूल तो सुबह दे दिया था और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी कल 2 बजे स्टार्ट कर दिया था, लेकिन ये ब्रोशर नहीं आया था, इसलिए ना मैंने वीडियो बनाया ना आपने किसी से शेयर करा। और बहुत टाइट इनका शेड्यूल है, पहले मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड दोनों बहुत लेट चल रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन भी इन्होंने स्टार्ट तो कल लिंक नहीं आया था, लिंक तो कल रात को ही आया है, और आज कल और परसों दोपहर तक, तो 2.5 दिन का समय है रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग सब कुछ करने का। ये लोग रजिस्ट्रेशन फीस के अलावा सिक्योरिटी फीस भी एडवांस में ले रहे हैं, और फिर स्टेट मेरिट लिस्ट डिस्प्ले कर दी जाएगी, और जो बाकी शेड्यूल है एक तरीक को डिक्लेरेशन कर देंगे रिजल्ट का, जैसा कि एमसीसी ने बताया है कि उनके प्रोसेस के बाद स्टेट्स को करना है, तो उस चीज को फॉलो किया जा रहा है, और 7 तारीख तक आपका रोलमेंट का रिजल्ट हो जाएगा। इस वीडियो में हम ज्यादा बात करेंगे जो नॉन उत्तराखंड डोमिसाइल के लोग हैं और जो वहां के 2 प्राइवेट कॉलेजेस के लिए कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए, इसमें समय नहीं खराब करेंगे, सबको मालूम है स्टैंडर्ड ये आ गया, जैसा कि उन्होंने बोला ही है कि अगर हम एमबीबीएस के लिए जा रहे हैं तो रजिस्ट्रेशन फीस 5,000 रुपये और 1 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट देना है, और आपको सिर्फ बीडीएस करना है तो 10,000 रुपये, अगर आप जो बीडीएस के 2 कॉलेज हैं उत्तराखंड में उनके लिए आप सिर्फ करना चाहते हैं एमबीबीएस के अलावा। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि बीडीएस करना है तो प्राइवेट बीडीएस तो शायद हर शहर में अवेलेबल है, तो क्यों आप अपने शहर को छोड़ के उत्तराखंड तक जाएंगे, राइट। ऐसा कुछ खास रिजर्वेशन नहीं है, दोनों प्राइवेट कॉलेजेस में 40% सीट उत्तराखंड के डोमिसाइल के लिए रिजर्व है, और जिसके अंदर 25% फीस भी कम होती है हम उसमें आएंगे। देखिए, इसमें सेकेंड राउंड में भी फ्रेश काउंसलिंग अवेलेबल है और मॉपअप में भी काउंसलिंग अवेलेबल है, राइट। लेकिन फिर भी मेरी सलाह रहेगी कि आप राउंड 1 में ही अप्लाई कीजिए, और मैं उस पर भी आऊंगा, और हर बार ये स्टेट मेरिट लिस्ट निकालेंगे हर एक राउंड के बाद, क्योंकि निकालनी पड़ती है जब आप फ्रेश चॉइस फिलिंग और फ्रेश रजिस्ट्रेशन अलाउड कर रहे हैं। जैसा मैंने कहा, 500 रुपये अभी ले रहे हैं, आपसे कुछ गलती हो जाए चॉइस लॉकिंग करते समय तो 500 रुपये दे के आप एडिट कर सकते हैं, अगर आप एक बार सेव कर दिए अपनी सारी इंफॉर्मेशन। चॉइसेस आपको लॉक करनी है, आप खुद लॉक नहीं करेंगे तो ये ऑटोमेटिक लॉकिंग कर लेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात वही है कि हम 1 लाख रुपये एडवांस में तो दे रहे हैं, लेकिन फिर भी फॉलो किया जाएगा, दैट मीन्स कि हमको फ्री एग्जिट अलाउड है। तो बिल्कुल ये जो एमसीसी वाला रूल है जिसमें हम ऑल इंडिया कोटा में या डीम्ड में जब देते हैं फीस, तो हम देखिए 11,000 रुपये दे ही रहे हैं एडवांस में, जबकि काउंसलिंग फीस तो उतनी नहीं है फॉर सरकारी कॉलेजेस, और डीएम के हम 2 लाख रुपए पहले देते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश है, 2 लाख रुपए पहले लिए, पर वो फ्री एग्जिट नहीं देता, उसमें आपको सीट मिलती है, नहीं लेते, आप 2 लाख जब्त कर लेते हैं। कई स्टेट्स हैं जो उन्होंने पहले फीस नहीं ली, चाहे वो हरियाणा हो चाहे वो हिमाचल हो, तो हर स्टेट का अपना अपना रूल है, चाहे मध्य प्रदेश है, इन्होंने पहले उतने पैसे नहीं लिए, बिहार ने नहीं लिए, लेकिन उत्तराखंड लेता है। लेकिन आपको ऑप्शन देता है कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिले और आप ना लें तो भी आपके पैसे जब्त नहीं होंगे। ऐसे केसेस में हमेशा लोगों को सलाह देता हूँ कि आप पहले अप्लाई कीजिए, और मैं लॉजिक अपने क्लाइंट्स को हमेशा समझाता ही हूँ कि अगर आप वेट भी करना चाहते हैं तो जो सीट आपको एलोकेट होती है वो किसी और को एलोकेट नहीं होती है, राइट। तो इमेजिन कीजिए, उत्तराखंड के 2 में से हिमालयन जॉली ग्रांट बहुत फेमस है, अब उसमें 75 सीटें हैं नॉन उत्तराखंड डोमिसाइल के लिए, आपने भरा ही नहीं, जिन लोगों ने भरा उनमें सबने ले ली, तो आपको तो फिर खत्म ही हो गई ना सीट। लेकिन अगर आपने एक सीट अलॉट करा ली थी, नहीं भी ली, और आपके मार्क्स ज्यादा हैं ऑफकोर्स, तभी तो आपको सीट मिली थी, तो अगले राउंड में इतने से आपके लिए वो सीट बच गई है, राइट, क्योंकि आपने लेके उसको खराब कर दिया एलोकेट करवा के। सो हमेशा लोगों को मैं सलाह देता हूँ कि आप राउंड 1 में जरूर भरा कीजिए जब भी ऐसी सिचुएशन होती है, राइट। उसके बाद एडमिशन प्रोसेस बहुत सिंपल है, हमने बात की, 2 ही MBBS कॉलेज हैं, 2 ही सरकारी डेंटल कॉलेज हैं, दोनों प्राइवेट एमबीबीएस कॉलेज में पीजी होती है, दोनों ही बहुत पुराने हैं, इसलिए क्वालिटी को लेके कोई भी संदेह इन दोनों कॉलेजेस में बिल्कुल भी नहीं है एज फार एज दिस थिंग इज कंसर्न, एंड दैट्स व्हाई हिमालयन इज वन ऑफ द बेस्ट इंस्टीट्यूट्स फॉर एजुकेशन, राइट। अब फीस पे नजर मारते हैं, देखिए हिमालयन की फीस 18 लाख रुपए साल है, हॉस्टल 1 लाख रुपए पकड़ लीजिए आप एवरेज, और मेस का भी आप 1 लाख रुपए ले लीजिए, इन्होंने लिखा हुआ है एज पर एक्चुअल, तो 20 लाख आपका ये फिक्स हो गया, तो 4.5 साल के 90 लाख हो गए, उतना ही एसजीटी गुड़गावा है, और बाकी छोटे मोटे चार्ज है, शुरू में आपको 2 लाख रिफंडेबल देना है। अब श्री गुरु राम राय फीस 13,22,000 बोलता है,
लेकिन आप इनका हॉस्टल और मेस देखिए, 3,60,000 रुपये, और साथ में 10% हाइक है इसमें। ये ट्यूशन फीस में हाइक नहीं है, हमें इस बात का ध्यान रखना है, राइट? क्योंकि एक दो चैनल शायद ऐसे बता रहे हैं आपको कि ट्यूशन फी में भी हर साल 10% हाइक है, ऐसा नहीं है, सिर्फ हॉस्टल और मेस में हाइक है। तो इनके हाइक को अगर आप कंसिडर करते हैं तो श्री गुरु राम राय में भी आपका टोटल पैकेज 90-91 लाख रुपए पड़ता है। फर्क ये है कि ये देखिए, ये 5 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट मांगते हैं रिफंडेबल एडवांस में, जो कि हिमालयन ने 2 लाख मांगी। पहले साल आपको 27 लाख का इंतजाम करके रखना है, जो हिमालयन में फिर भी 22-23-34 लाख रुपए है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है। तो डेफिनेटली सभी हम जानते हैं कि हिमालयन इज ऑलवेज द फर्स्ट चॉइस, बट इस फीस को देख के आप मत सोचिएगा। और स्टेट कोटा फी भी जैसे मैंने कही था 25% कम होती है, तो ट्यूशन फी ओनली। तो इन दोनों में से हिमालयन डेफिनेटली वन है। मैंने कहा दोनों में पीजी होता है, और इसी वीडियो में मैं आपको बताता हूँ कि जो इस 4 कॉलेज हैं, सोलन, एसजीटी, हिमालयन और चौलीग्रांट, सॉरी श्री गुरु राम राय, चारों में ही तकरीबन जो आपको कॉस्ट है वो बराबर की पड़ती है, 90 से 92 लाख रुपए। और इन चारों कॉलेजेस में ही पीजी है। तो देखिए, मैं जिक्र क्यों कर रहा हूँ, पहले बात को समझा देता हूँ कि नॉर्थ इंडिया की बात करें, हम इंडिया की बात करें, जम्मू कश्मीर क्लोज स्टेट, वैसे भी एक प्राइवेट कॉलेज है, पंजाब क्लोज स्टेट, फिर आता है हिमाचल, एक प्राइवेट कॉलेज, एमएमयू सोलन, टोटल पैकेज 92 लाख रुपए, उसमें भी ट्यूशन फीस 14.5 से स्टार्ट होती है, पर हर साल 10% बढ़ती है। उसके बाद आ जाइए आप हरियाणा, टोटल 5 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज, 4 का पैकेज 75 लाख, एचजीटी गुड़गांव 91 लाख, और बाकियों में पीजी भी नहीं है। फिर आप आ जाइए उत्तराखंड, 2 प्राइवेट कॉलेजेस जिसकी हम सब बात कर रहे हैं, फिर उत्तर प्रदेश, 30 प्राइवेट कॉलेज है, काफी में पीजी है, और उत्तर प्रदेश का बजट भी हमारा 70 के अंदर अंदर हो जाता है। राजस्थान राउंड 1 में क्लोज स्टेट, राउंड 2 में भी क्लोज स्टेट ही है फॉर आउटसाइडर्स। तो आउटसाइडर्स को मैं हमेशा कहता हूँ वो महंगी सीटें ही मिलती हैं, जो उनकी वो एनआरए सीट कन्वर्ट होती है लास्ट राउंड में, या कोई एक आध बच जाए तो। मध्य प्रदेश क्लोज स्टेट प्रैक्टिकली, गुजरात क्लोज स्टेट, महाराष्ट्र क्लोज स्टेट, इधर से आप आ जाइए उड़ीसा क्लोज स्टेट, और बिहार झारखंड वैसे तो ओपन है, बट मोस्टली जो इस बेल्ट के लोग होते हैं वो वहां नहीं जाना चाहते। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो लिमिटेड ही तो है। मध्य प्रदेश क्लोज स्टेट, छत्तीसगढ़ ओपन है, लेकिन 3 ही कॉलेज हम जानते हैं कट ऑफ हमेशा 500 के ऊपर रहती है। तो ये जो 200 से 400 नंबर वाले, 450 नंबर वाले क्या करें? तो अगर आप क्वालिटी एजुकेशन देख रहे हैं तो ये चारों में से अच्छी ऑप्शंस हैं। और क्योंकि फीस महंगी है इसलिए लोग इनको उतना पसंद नहीं करते। हमेशा लोग मुझसे पूछते हैं, सर मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज की कट ऑफ तो एमएमयू सोलन से ऊपर है, या रोहिलाखंड बरेली की कट ऑफ तो एचजीटी से ऊपर है। तो मैं कहता हूँ फीस का फैक्टर होता है। तो ये चारों में ही पीजी है, एचजीटी, एमएमयू सोलन, दोनों देहरादून के, दोनों देहरादून में पढ़ते हैं। चारों की फीस 90 से 93 लाख आपके टोटल जेब से खर्च होंगे, अदर देन रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। 3 हिल एरियाज में है, एक अपना गुड़गांव में है। चारों की मैं प्रायोरिटी की बात करूं तो डेफिनेटली हिमालयन इंस्टीट्यूट नंबर 1 है, कोई शक ही नहीं है। और मेरी नजरों में एसजीटी नंबर 4 हो जाता है, और एमएमयू सोलन और श्री गुरु राम राय हम देख सकते हैं कि शायद जिस तरफ आप रहते हैं, अगर आप पंजाब साइड के हैं उस तरफ रहने वाले हैं तो शायद एमएमयू सोलन को आप प्रेफर करेंगे, आप यूपी के रहने वाले हैं तो शायद आप देहरादून को प्रेफर करेंगे लोकेशन की वजह से, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मैंने जैसे बताया चारों में पीजी चल रही है, सो चारों में ही अच्छी फैकल्टी है, चारों में क्लिनिकल पीजी चल रही है, और चारों बहुत अच्छे ऑप्शन है, पर चारों महंगे पड़ते हैं इसलिए कट ऑफ नीचे जाती है।
तो आप देखेंगे हरियाणा के जो आदेश हरियाणा में बहुत अच्छा हो गया, यूपी में श्री राम मूर्ति, शारदा, सुभारती अच्छे हो गए ऑप्शन, सरस्वती, हापुड़ या हेरिटेज वाराणसी या, बट इसके अलावा मैं बस बार बार लोगों को समझाता हूँ, तो इन चारों में आप देख लीजिए। और चूंकि यूपी की कट ऑफ आ चुकी है, बहुत हाई चली गई है फॉर गुड कॉलेजेस, बिकॉज ऑफ जो एडिशनल लोगों ने भरा है, तो जो यूपी वाले थे जो उम्मीद कर रहे थे कि हमें टॉप 6 कॉलेज मिल जाएंगे, वो शायद अब नहीं मिल पाएंगे, तो अभी भी उनके पास मौका है उत्तराखंड में, अभी तो स्टार्ट हुआ मौका उत्तराखंड में अप्लाई करने। ऑफ कोर्स आपका बजट जो पहले 65-68 था, वो आपको 90 करना पड़ेगा अगर आप क्वालिटी एजुकेशन देख रहे हैं। तो इन चारों में चलता है। और वही मैं बार बार अपने सब लोगों को कहता हूँ कि काउंसलिंग, चॉइस फिलिंग, चॉइस प्रेफरेंस महीना पहले नहीं फाइनल होती है। अब जो लोग यूपी का मन बना के बैठे हुए थे, उनको देखना पड़ेगा कि कुछ मिल ही नहीं रहा तो क्या करें। जैसा मैंने कहा ना, ऑप्शन ही बहुत लिमिटेड है, और हरियाणा के दो प्राइवेट कॉलेज बहुत ही खराब है, मैं उनका इस वीडियो में नाम नहीं लूंगा। सो ओवरऑल स्ट्रेटजी की बार बार आपको जरूरत होती है, आपको स्ट्रेटजी डिवाइस करनी पड़ती है, और उस तभी आपको एक प्रोफेशनल काउंसलर की जरूरत है जो इन चीजों का ध्यान रखे। देखिए, काउंसलर सिर्फ फॉर्म फिलिंग के लिए नहीं है, वो आपको बताने के लिए कि सच्चाई क्या है, ताकि आप इमिजिएटली एक्शन ले सके, वरना जो होना है वो तो होना है। आई कैन नॉट चेंज दी कट ऑफ, बट वट आई कैन टेल यू कि देखिए जी, यूपी में तो अब अगर आपके 380 नंबर है तो शायद आपको टॉप 8 कॉलेज नहीं मिलेंगे, लेकिन आपका बजट अच्छा है तो आप तुरंत उत्तराखंड भर लीजिए। या पहले आप, हमने अपने सभी क्लाइंट्स को एमएमयू सोलन भरवा दिया था, या एनजीटी गुड़गांव भरवा के रखा हुआ है, उन दोनों में तो वैसे भी राउंड 1 में नहीं मांगा गया था, कि एटलीस्ट आप पढ़ाई तो अच्छी कर लें अगर आपका बजट अलाउ करता है। बजट नहीं है तो फिर आप ये है कि जो पहले आपको यूपी में नंबर 6-7 तक की उम्मीद थी, आपको नंबर 15वां लेना पड़ेगा। सो इन सब स्ट्रेटजीज के लिए आपको प्रोफेशनल काउंसलिंग की जरूरत होती है, काउंसलर्स को पे कीजिए, तभी वो आपके साथ हेल्प कर पाएंगे। मैं बार बार समझाता हूँ, जो लोग बाद में फीस लेते हैं, एडमिशन का प्रॉमिस करके फीस लेते हैं, देखिए हर इंसान को रोजी रोटी कमानी है, पैसे कमाने हैं, तो जो सलाह देने के पैसे लेता है ना, फिर वो सच्ची सलाह देता है। और जो लोग कहते हैं कि सब कुछ फ्री है, दैट मीन्स वो आपसे कहीं और से कमाएंगे, राइट? वो आपको ऐसे सलाह देंगे जिससे उनका फायदा होता है। हम वो सलाह देते हैं, या मैं वो सलाह देता हूँ, क्योंकि मैं सलाह लेने के पैसे लेता हूँ, और बहुत विश्वास से कहता हूँ कि भाई ये फाइनल सलाह है, आप इसमें, हम इसमें मिलकर अमल करेंगे। सो अपील है फिर से मेरी, अच्छा काउंसलर ढूंढिए, हम या कोई और, जो बाकी जो सलाह देने के पैसे लेते हैं ना, वो जरूर सलाह देगा, और जो सलाह देने के पैसे नहीं ले रहा, फिर वो ये सोचेगा कि मैं आपको क्या बताऊं जिससे मैं कुछ पैसे कमा सकूं, राइट? वो आपको भड़काएगा कि मैं आपका एडमिशन कराऊंगा, इतने पैसे दो, उतने पैसे दो, बाद में दोगे ये, और आपको लास्ट तक ऐसा फंसाया जाएगा कि फिर आपको पैसे देने भी पड़ जाए। सो हम इन सब चीजों को ध्यान रखिए, और फिर भी अभी तो काउंसलिंग स्टार्ट हुई है, जैसे मैंने कहा, अभी तो अगले 2 महीने हैं, हमारे पास अभी भी काउंसलिंग के क्लाइंट्स लेने के लिए बैंडविथ है। सो जो भी हमारी काउंसलिंग पैकेज लेना चाहते हैं, हमें अप्रोच कर सकता है। 9643362320 हमारा नंबर है। पहली बात करने के लिए सिर्फ आपको एक नॉमिनल अमाउंट दे रहा होता है 1500 रुपये का, जिसमें हम 15 मिनट बात करके निकाल लेते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, और उसके हिसाब से फिर जो फाइनल कॉस्ट है वो मैं आपको बताता हूँ। सो अभी भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, और ये जो वीडियो अगर आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि ताकि ये 4000 लोगों तक पहुंचे, और चैनल तो आपने सब्सक्राइब कर ही रखा है। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।